शुरू हो गया था जी जी शुरू हो गया था 150 ऑलमोस्ट। जिला पदाधिकारी व एसपी ने किया स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत बलाइन गांव के कमला माई मंदिर परिसर में रविवार को क्रिप्स हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जिला पार्षद अलका झा ने डीएम व एसपी को बुके देकर स्वागत किया। डीएम ने स्वास्थ्य शिविर का जायजा लेकर शिविर में उमड़े मरीजों के जन सैलाब और इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर इंसान को आज के दौर में शारीरिक कोई न कोई समस्याएं हैं। ग्रामीण इलाके में समस्याओं को लोग जल्द समझ नहीं पाते हैं, जिससे कुछ समय बाद लोगों की समस्याएं जटिल हो जाती है। इस तरह के आयोजन से लोगों को ग्रामीण स्तर पर बेहतर जांच, दवा, उचित सलाह मिल जाता है, इसलिए इस तरह के शिविर लगाना सराहनीय है। जिला पार्षद अलका झा ने डीएम एसपी व क्रिप्स हॉस्पिटल के संचालक मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। शिविर में हड्डी एवं नस रोग, मेडिसिन, नेत्र रोग, स्त्री एवं प्रसूति व अन्य समस्याओं से मरीजों का इलाज व परामर्श दिया गया। लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर भी चिकित्सकों से जानकारी ली। शिविर में दोपहर तक करीब 525 से अधिक मरीजों ने जांच कराया, वहीं दवा व परामर्श किया जा चुका है। शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। बता दें कि उक्त शिविर का आयोजन बेनीपट्टी क्षेत्र संख्या 9 के जिला पार्षद अलका झा ने अथक प्रयास के कारण क्रिप्स हॉस्पिटल में लगाया। मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। और लाइफस्टाइल इस होड़ में ऐसी बन गई है कि काफ़ी कई लोगों का बहुत तनाव युक्त लाइफस्टाइल रहती है और हम लोग जान नहीं पाते हैं कि इसका कितना दुष्परिणाम शरीर पे पड़ रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को पता तब चलता है जब वो तनावपूर्ण लाइफस्टाइल जीते जीते या केवल बैठने वाला, बहुत लोग नौकरी करते हैं दिन भर बैठे रहते हैं तो उससे भी बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आती रहती हैं, तो वो हम लोग को पता तब चलता है तब थोड़ी देर हो चुकी होती है। तो इस कारण से बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग और उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये बीमार होने के पश्चात डॉक्टर के पास इलाज कराने से और बढ़िया ये होगा कि हम लोग उसको रोकने के लिए, इससे पहले कि आप बीमार हों उसको रोकने के लिए पहले ही तरह तरह का अपना टेस्ट समय समय पर करा लेना चाहिए। और विशेष रूप से जो जैसे बीपी की समस्या तनावपूर्ण लाइफस्टाइल से होती है तो ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लेना चाहिए। और एक उम्र के बाद इसी के कारण शुगर की भी बीमारी होती है, आप लोग जानते हैं मधुमेह कहते हैं, तो उसका भी जांच समय समय करा लेना चाहिए। तो ये एक बीमारी का रूप ले इससे पहले ही आप लोग सावधानी बरतने लगेंगे तो ये जाँच कराने का ये फ़ायदा रहता है। और बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक से लोगों की अचानक से मृत्यु की सूचना मिलती होगी, तो ECG वगैरह भी ऐसे समय समय पर करा लेने से भले ही आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है लेकिन साल में एक आध बार करा लेना चाहिए। उससे अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही होगी दिल के पास तो उस पर हार्ट अटैक आने के पहले ही आप उसको उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, सावधानी ले सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस तरीके का आप लोगों को सभी लोगों से अनुरोध है समय समय कराते रहना चाहिए। और ये चिकित्सा शिविर यहाँ पे आयोजित किया है तो यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के पंचायत के मुखिया, यहाँ के जिला परिषद सदस्य और क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ है। और मैं अनुरोध करूँगा दिन भर चलेगा और आप सभी लोग और भी लोग जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों को भी और बुला लें, शाम तक चलता रहेगा, जांच करा लें, मुफ्त का है और लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसी अनुरोध के साथ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग और भी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे, जिन लोगों को जानकारी नहीं उनको भी बुलवाएंगे, इस मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभ उठाएंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में स्वयं से भी जो लोग सक्षम हैं वो भी अपना जाँच कम से कम ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का, ECG ये सब समय समय पर कराते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जांच और दवा दी, देखिए एक्चुअली ब्लाइंड में जो हमने कैंप लगाया है इसमें कई विभाग के डॉक्टर्स जैसे ऑप्शनल हैं, आँख के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजीव शर्मा है, डॉक्टर साकेत झा मेडिसिन में है, डॉक्टर अबू अक्रमा ऑर्थो में है, गायनी में डॉक्टर हैं, तो अलग अलग विभाग के डॉक्टर। पर जाँच की जहाँ तक बात है जो हॉस्पिटल से हट के कोई मशीन ला के आप जाँच कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास है। आपको BP का टेस्ट है, शुगर जाँच हो रहा है,
और ECG जो हार्ट के लिए होती है वो हो रही है। आयुष्मान भारत कार्ड हम यहाँ बना रहे हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और बेनिफिट उठा सके। गाँव तक पहुँच रहा है क्रिप्स हॉस्पिटल, इसका पीछे मकसद क्या है और इसका दायरा कहाँ तक है? देखिए, एक्चुअली हमारा दिल्ली में भी 3 हॉस्पिटल है क्रिप्स के नाम से ही, और बड़े शहर में हॉस्पिटल चलाना इजी होता है, और गांव में न मधुबनी में हमारे खोलने का हम यही के हैं, और खोलने का उद्देश्य यही था कि एक बढ़िया अस्पताल लोगों को मिले, जो इमरजेंसी में लोगों को दरभंगा पटना पहुंचते पहुंचते तक उनकी डेथ हो जाती है। तो क्रिप्स हॉस्पिटल एक इमरजेंसी हॉस्पिटल के टाइप का, हमने नॉर्थ बिहार का सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल 150 बेड का खोला। और गांव का जहां तक आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बता दूं कि विलेजेस में लोगों को पता नहीं होता है कि रात में अगर इमरजेंसी आए तो 10 लोगों से पूछते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कहां पहुंचे। तो इसलिए गांव में लोगों को जागरूक फैलाने के लिए आप हेल्थ के प्रति जागरूकता अपना मेंटेन रखें, और कभी ऐसी इमरजेंसी हो तो क्रिप्स हॉस्पिटल पहुँचे। गाँव में ही कैंप आयोजन होगा? हाँ, अन्य गांव में भी होगा, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड होगी, मैं अपने क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम को वहाँ भेजूँगा और लोगों को वहाँ क्रिप्स हेल्थ के प्रति सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू। राजीव बाबू, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जो आयोजन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 में जिला परिषद प्रतिनिधि अलका झा के द्वारा और मुकेश झा जी के प्रयास से जो किया गया है, इसमें काफ़ी भीड़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा सोच आपके मन में आया कैसे? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद, जो आप लोग सारे मीडिया लोग यहाँ आए हैं, और आप जो बोले ये सोच मुझे चुनाव से पहले से था, जो मुझे पहले दवाई पे काम करना था, इसके बाद से पढ़ाई पे, सिंचाई पे, इसके बल सबसे लास्ट में कमाई पे करना था। इसी कारण से हम लोग ने क्रिप्स हॉस्पिटल वाले को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ मिलके ये काम किए हैं, और हम लोग डोर टू डोर घूम के ये नागदा और बलान पंचायत में और सारे जनता को प्रेरित किए हैं, आप लोग आइए, शिविर लगा रहे हैं, आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि छोटे बीमारी ना बाद में बहुत बड़ा बन जाता है, इसी कारण से हम लोग ये काम चालू किए हैं। क्या आगे और भी पंचायत में इस तरह के आयोजन करने का प्रोग्राम है? हाँ, हम चेयरमैन से भी बोले हैं, जो सर हम लोग को लगाइए परजुआर पंचायत में अगले रविवार को, चेयरमैन सर बोले हैं हम कल डॉक्टर लोग से मीटिंग करते हैं और वो लोग तैयार हो जाएंगे तो हम रविवार को कर देंगे, नहीं रविवार को करेंगे तो हम बोले सर मंडे या ट्यूजडे को कर दीजिए, बोले ठीक है कर देंगे। कितने लाभ लगा कि आज इसका फायदा उठा पाया? लगभग में 500 से 700 लाभुक जो है, 500 से 700 अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अभी आ रहा है, ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण एरिया है, तो लोग अपना खाना वाना बना के उसके बाद फिर धीरे धीरे आ रहे हैं, लोगों का देख रहे हैं आप पीछे जो कितना भीड़ लगा हुआ है, और खुशी है जो हम लोग जो है सो जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से हम लोग जो यहाँ पर जो शिविर लगाए हैं वो लोग उससे उसका लाभ उठा रहे हैं। आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए, मुख्य अतिथि के रूप में DM सर आए थे मधुबनी जिला के, और SP सर, पुलिस अधीक्षक जी आए हुए थे, उसका साथ ही क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्ट न्यायाधी साहब आए हुए थे। हम लोग पिछले 8 दिन से 9 दिन से नागदा बलेन पंचायत और अगल बगल के जो गांव है उसमें कैंपेन कर रहे थे, घर घर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, जो घर घर पहुँच के और हमारे टीम के 15 से 20 वर्कर जो है सो घर घर पंपलेट जो है सो घर घर ले लेके पहुंचे हुए थे, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो आज के चिकित्सा शिविर का जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं इसमें ऐसा कि सुनने में आ रहा है काफी रुकावट पैदा करने का षड्यंत्र किया गया। आवाज नहीं आती भैया, आज सात शिविर का इसमें काफ़ी षड्यंत्र किया गया इसको असफल करने के लिए, फिर भी यहाँ हजारों आदमी की भीड़, हजारों मरीजों का भीड़ देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है जो यहाँ पे चिकित्सा शिविर का जब पिछले मंडे को हम लोगों के बीच में फाइनल हुआ था क्रिप्स हॉस्पिटल और हमारे हमारे टीम के बीच में, उसके बाद जब इसका अनाउंसमेंट हुआ
सोशल मीडिया से लेके पब्लिकली, उसके बाद जो है सो यहाँ पे ये कार्यक्रम बंद करवाने के लिए, रुकवाने के लिए अपने क्षेत्र के जो एक MLC है उन्होंने क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर तक को फ़ोन कर दिए, क्रिप्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को फ़ोन किए जो बलैन में जो कार्यक्रम हो रहा है उसको बंद करवाया जाए, ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। क्या राजनीतिक द्वेष होता है नहीं होता है हम समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग नए हैं राजनीति में, वो तो पुराने हो चुके हैं, लेकिन हम ये समझते हैं हमारा सामाजिक उद्देश्य रहता है, हमारा राजनीतिक उद्देश्य है जो सामाजिक सेवा हो, समाज में हर वर्ग का सेवा हो, लेकिन उन्होंने उसको रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। उसके बाद जब क्रिप्स के मैनेजमेंट ने ये चीज़ बताया जो नहीं हम कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे, कार्यक्रम होगा ही, उसके बाद उस अलग रूप से धमकी दिया गया जो नहीं कार्यक्रम डिस्टर्ब हो सकता है, फिर हम लोगों ने अलग अलग रूप से अपने वॉलेंटियर को, अपने यहाँ पे ग्रामीण जनता जो है बलैन की जो जनता है उन सबको भी हमने आगाह किया, अपने वॉलेंटियर को आगाह किया, और धन्यवाद देते हैं जो बलैन की जनता को जो उन्होंने पूरी तरह से पूरी एकजुटता के साथ जो भी कुछ उपद्रवी तत्व इसमें विघ्न करना चाहते थे उस सब को साइड कर दिए, उस सब की मंशा पे पानी फेर दिए, और ये कार्यक्रम अभी तक सफल हो रहा है और सफल हो जाएगा ये उम्मीद है।